स्टाइलिश इंडियन मॉम अनु और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है ये काफी हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि जब भी मैं YT पे लाइव करती हूँ या किसी से भी स्किन की बात पूछती हूँ तो सबसे पहला जो थॉट मेरे दिमाग में आता है वो है स्किन केयर रूटीन। जी हाँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे स्किन को हेल्दी और ग्रोइंग बनाने के लिए। एक वीडियो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, ये मेरा दूसरा वीडियो है मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन जिसमें मैंने कुछ प्रोडक्ट्स को चेंज किया है और जो आप लोग के स्किन के लिए भी बेनिफिट होगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक दीजिएगा, और उसके बाद में अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेरीज है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसी मेरी कई फ्रेंड्स हैं जिनको बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि स्किन केयर रूटीन में हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, या कौन से प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, डेली करना चाहिए। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है वो आपको इस वीडियो में पूरे सॉल्व हो जाएंगे, बस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। बहुत ही इजी स्टेप्स होते हैं, और जब आप इसकी हैबिट पे आ जाएंगे, जब आप डेली करने लगेंगे तो ये स्टेप्स आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला स्टेप्स है, जो मॉर्निंग में हमें सबसे पहले उठ के अपने स्किन के साथ करना है, वो है क्लींजिंग। आप कोई भी अच्छा फेस वॉश लेकर अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्क्रबिंग। अगर आप अपने होममेड स्क्रब अगर आप बनाते हैं, डीआईवाई करते हैं, तो आप होममेड स्क्रब यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में बहुत सारे स्क्रबर्स मिलते हैं, तो जो भी आपको सूट करता है वो आप स्क्रब कर सकते हैं। जो हमारा थर्ड आता है वो है टोनिंग। उसके बाद आप जब भी सोप या स्क्रब यूज करते हैं तो आपके फेस का जो पीएच बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको टोनर अप्लाई करना है। साथ ही साथ वो आपके पोर्स को भी श्रिंक कर देगा। उसके बाद आता है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर अप्लाई करना आपके फेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके फेस ड्राई हो, नॉर्मल हो या ऑयली स्किन हो। तो उसके बाद आपको अच्छा सा जो भी आपके स्किन को सूट करता है वो मॉइस्चराइजर अप्लाई करिए। और अगर आप घर के बाहर जा रहे हैं तो आप सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हो, और अगर नहीं भी जा रहे हैं तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि कम SPF का सनस्क्रीन आप अप्लाई करिए डेली। तो ये कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना है अपने मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वन बाय वन कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करती हूँ मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में, और मैं किस तरीके से करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, और मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करूंगी, पहला स्टेप है क्लीन करना फेस को। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ गार्नियर का लाइट कंप्लीट फेयरनेस फेस वॉश। वॉश मेरे फेस को बहुत सूट करता है, जितने भी ऑयल सीक्रेट होता है मॉर्निंग टाइम पे वो सारे रिमूव कर देता है, डर्ट्स को भी रिमूव कर देता है। तो सबसे पहला स्टेप है जो फेस वॉश का, उससे मैं पहले अपना पूरा फेस वॉश करूँगी। नाउ कमिंग टू सेकेंड स्टेप, जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो है स्क्रबिंग। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ क्लीन एंड क्लियर का ब्लैक हेड क्लियरिंग डेली स्क्रब, और उसके साथ साथ मैं यूज करती थी हिमालयन का ऑरेंज फेस स्क्रब। तो मैं आज इससे स्क्रबिंग ना करके क्लीन एंड क्लियर ब्लैक हेड क्लियरिंग डेली स्क्रब से स्क्रब करूंगी। ये दोनों ही ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है और मुझे डेली सूट भी करता है। तो इसे हम स्क्रब करेंगे, स्क्रब से जो हमारे डीप पोर्स में जितने भी डर्ट और गंदगी जमा होती है वो उसे रिमूव करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ आपके फेस पे अगर ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स की भी प्रॉब्लम है तो उसे भी रिमूव कर देता है। तो ये जो स्क्रबिंग का प्रोसेस है वो आप डेली ना करके वीक में 3 या 4 बार भी कर सकते हैं, तो उससे भी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। सो फ्रेंड्स, कमिंग टू आर नेक्स्ट स्टेप जो है टोनिंग। टोनिंग करना फेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का बायो क्यूक्यूम्बर टोनर, जो कि बहुत बेस्ट टोनर है। और अगर उसका आपका रिव्यू देखना है तो आप मेरे लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। कॉटन पैड की हेल्प से आपको उसको पूरे फेस पे डैप करते हुए अप्लाई करना है, और कुछ सेकेंड्स के लिए छोड़ देना है, ताकि जो आपके फेस का जो पीएच बैलेंस जो बिगड़ा हुआ है ड्यू टू यूजिंग सोप और फेस वॉश वो नॉर्मल हो जाए, और जो भी आपके पोर्स है वो श्रिंक हो जाए ताकि गंदगी उसके अंदर ना जाए।
और इस तरीके से इसको अप्लाई करना है। Now the next process is using moisturizer. आपको अपने फेस को मॉइस्चराइज करना है, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ VLCC का लॉन्ग मॉइस्चराइजर और बिलीव मानिए ये एक्ने प्रॉन स्किन के लिए बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, क्योंकि ये स्किन को ग्रीसी नहीं करता है, ये बहुत ही अच्छा स्किन को एक स्मूथ टेक्सचर देता है। तो मैं पूरे फेस पे मॉइस्चराइजर लगा लूँगी। प्रोडक्ट का अगर आपको रिव्यू चाहिए होगा VLCC लॉन्ग मॉइस्चराइजर का, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा, तो मैं इसका एक डिटेल में एक अलग से वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और बिलीव मानिए ये एक्ने प्रॉन्स एक्ने स्किन ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। अगर आपकी स्किन ऑयली है और अगर आप कन्फ्यूज़ है कि कौन सा मॉइस्चराइजर यूज़ करना है, तो आप VLCC का ये लॉन्ग मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली कमिंग टू लास्ट स्टेप, जो कि बहुत ज़रूरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वो है सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करने का। और मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ VLCC का ग्लो सन ब्लॉक लोशन, जिसका SPF है 20। मैं इससे पहले यूज़ करती थी लैक्मे का सन एक्सपर्ट जो 30 SPF था। तो ये दोनों जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसलिए दिखा रही हूँ 20, क्योंकि मुझे आज कहीं बाहर नहीं जाना है तो भी मैं सनस्क्रीन अप्लाई करूँगी, लेकिन VLCC वाला जो कि 20 SPF है। लेकिन अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा SPF की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं वहाँ पर लैक्मे का यूज़ करती हूँ जो कि 30 SPF है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ पूरे फेस पे सनस्क्रीन। और यहाँ कंप्लीट होता है मेरा पूरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। आई होप आपको पसंद आएगा। ये जितने भी स्टेप्स मैंने आपको दिखाए और जो प्रोडक्ट आपको दिखाए वो पसंद आया होगा, क्योंकि मेरी स्किन है ऑयली, तो अगर आपकी स्किन भी है ऑयली तो आप सेम प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। और जो भी स्टेप्स मैंने फॉलो किया उन्हें जरूर डेली फॉलो करिए, अपने रूटीन में लेकर आइए, तो आपकी स्किन और भी ज्यादा हेल्दी और ग्लोइंग हो सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर प्लीज आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन, और प्लीज मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।